चल रही है आज कोई इसमें कोई वो कितना फर्क है नहीं बार रोकने रोकने ठीक है ना। फिर गेम आप घर में बड़ा एहतियात करें। आप किसी वक्त ये नहीं आपके पास मगर यहाँ से लीक हो रही है। जो मैंने प्रैक्टिकल बताया ये इसके लिए जो साइड से लीक हो जाता है इसकी ऑक्सीजन काट के लिए। आप किसी वक्त मतलब फाइल से लीक हो जाता है यहाँ से लीक ये लीक हो रहा है। आप इसको बजाना है ठीक जरूर नहीं है इसीलिए मैंने बताया आपको। अगर आप ये डरोगे तो मैंने ऊपर आरोप किया ना कि फिर आप बड़ा हादसे को जन्म दे के जा रहे हैं। बेहोश बेहोश पाइप को अगर है तो उसको खड़ा करके उस पर भी यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस के सेंटर पाइप के सेंटर में पाइप निकालो इधर से पाइप निकालो खींच के इधर से बंद कर रेगुलेटर बंद करो कुछ कर रहे। मैंने बोला डरना नहीं है लगा ये देखो ना जा रही है आप। अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना होता है। आप करोगे आ जाओ कोई हिम्मत करो आराम से कैसे डर मत बेटा आ जाओ मैं बताऊंगा कैसे करना। आ जाओ आप इस साइड से निकालो बैग छोड़ किसी दूसरे को तो मैं बताऊंगा क्या गुरखा दूर रखना जब भी लेना है इधर से नहीं लेना आगे से नहीं लेना। हाँ हाँ ना पीछे से लेना फोटोग्राफ मनुष्य ठीक है पता जरा पतल फतले बांबर ने बस आराम कोई खत्म चलो कर बहुत चल रहा है ये आपको मैंने हिम्मत बढ़ाई थी डरने की जरूरत नहीं है इसमें। जब कभी भी ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाए अगर आपकी पाइप आगे से लीक हो रही है आप उसको निकाल के पाइप ऊपर करके ऊपर उंगली दबा दो। आप बताओ कि आज क्यों नहीं आपका हाथ जलने का खतरा यहाँ नहीं होता है क्यों? अगर आप आगे से आएंगे आपको विंड डायरेक्शन देखनी है हवा का रुख जिसे कहते हैं उसको देखना है कि भाई ये कैसे हम मतलब रुख कहाँ जा रहा है पीछे से अटैक करना है आपको। अगर आप आगे से इसको उंगली लाएंगे आपका हाथ चलेगा। अगर आप फ्रंट से अंगल लाएंगे तो हाथ चलने का खतरा है। आप पीछे से जाएंगे अटैक करेंगे कुछ खतरा नहीं। फिर एक बार दिखा दो जल रही है आप देखना यहां से लेना ये ठीक है बस जाओ बेटा अपनी क्लास में। ये आपको मैंने इसलिए दिखाया कि हिम्मत कर रही है। दो बच्ची मैंने लाई कुछ नहीं हुआ उनको भी आपको भी कुछ नहीं होगा। जब कभी भी ऐसा हादसा हो जाए तो इसका तरीका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। नंबर के बाद कभी खुदा ना खास्ता आज तो मोबाइल सबके पास है आग का हादसा हो जाता है 101 हमारा सर सर नंबर है आप उस पर कॉल कर दें तो फायर सर्विस का मामला खुद आग पे पहुंच जाएगा। आजकल का फायर सर्विस वो नहीं है नाउएडेज इट हैज रीनेम्ड फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। हम भूचाल में भी काम करते हैं सुनामी में भी करते हैं किसी जगह भी कोई भी हो फायर सर्विस हर जगह पेश पे ही रहता है और जदीद हथियार से लेस है। दूसरी अर्ज ये करूंगा कि जब कभी भी आग का हादसा हो जाए डोंट डिस्टर्ब द फायर सर्विस स्टाफ। डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो उनको तावन दे दो उनको बता दो कहाँ से रास्ता है कहाँ से अंदर सीट पे जाना है आपको सीढ़ी कहाँ से है मकान की तो इंशाल्लाह जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे उनको आग फैल जाएगी कुछ नहीं होगा फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। लिहाजा इस चीज़ का भी एहतियात करना और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे अर्ज की इनको जाकर जरूर शेयर करना दिल के कब्रस्तानों में नहीं दफनाना तब जाकर मेरा ये यहाँ आने का कोई फायदा होगा आपके सुनने का भी कोई फायदा होगा। बस सलाम शुक्रिया।